ग्वालियर चंबल अंचल कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहा है। अंचल में रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि खुले में सोने वाले 2 लोगों की सर्दी से मौत हो गई है। ऐसे में जिनके पास खुद का आशियाना नहीं है, उनका ठिकाना फुटपाथ या फिर खुले आसमान के नीचे ही है। उन्हें सर्दी और बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है। नगर निगम के अलावा इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। वहीं रैन बसेरा में नशा करने वालों से असुरक्षा महसूस करने के कारण कई मजदूर महिलाएं भी इस कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर रात गुजारती हैं। प्रशासन रैन बसेरा में पूरी व्यवस्था होने की बात तो कहता है, लेकिन अगर है व्यवस्थाएं तो ये सड़कों पर सोते हुए लोग कौन है? सड़कों पर कथित रूप से मरते हुए लोग ये कौन है? खाना वाना बनाते हैं तो रोटी सरकार खाने के बाद सोने देगी, वहाँ गंदगी हो जाएगी। खाना फाना बनाते हैं तो हम बाबा तो गंदगी हो जाती है, और क्या है? पैसे मांगते हैं वो लोग? पैसे नहीं मांगते हमसे। वहाँ पे तो ठंड पड़ रही है, आप लोग बच्चे क्या कराए हैं? बच्चे अब तिरपाल लगा लिए, उसमें ढले रहते हैं, तिरपाल में ढले रहते हैं, तिरपाल लगा लिए। इस संक्रांत तक रुक रहे हैं, संक्रांत के बाद में घर चले जाएंगे, गाँव में चले जाएंगे। अपने हमको नहीं दी गया साहब कुछ मजा। फुटपाथ पे रहते हो? अरे अब फुटपाथ ही समझो, यहाँ झुग्गी बना ले, यहाँ काम करते जाए, कोई ठेकेदार लो चलेगा तो वहाँ काम करते जाए, ऐसे काम करते फिर और कहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि कड़ाके ठंडी पड़े तो रैन बसेरा में सभी व्यवस्थाएं जो निर्देश हैं उनके अनुसार होना चाहिए। आप हम देखें, हम लोग 7 रैन बसेरा संचालित करते हैं और उसमें भी सभी व्यवस्थाएं, जिसमें गर्म पानी की व्यवस्था, बेडशीट, बिस्तर और अलाव की व्यवस्था, ये सब हम लोग लगातार करते हैं, रोज़ मॉनिटरिंग इसकी हो रही है।